नीति सरकार चाहती है कि तुम लोग जितना भी एससी एसटी हो तुम लोग कटोरा लेकर के रोड पे भीख मांगो। हम लोग लास्ट में बस यही करेंगे, हम लोग हथियार उठा लेंगे। हाँ करना है तो नीतीश कुमार को बिहार से हम लोग खाली करवाएंगे। कैसे करेंगे? कल से वही होगा, हम लोग रोड पे आकर के बैठेंगे। आप सोच लिए कि हमको 1000 रुपया जो हम यहाँ रह रहे थे वो तो 2000 रुपया रूम रेंट लग जाएगा। कोई टाटा बिरला घर से नहीं है कि सबको आएगा 10000 रुपया महीना की जाके या कोई 5 स्टार रूम लेकर रहेगा। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, 2000 रुपया बड़ी मुश्किल से आती है। 1000 रुपया आता है वो में 1000 रुपया में पूरा नहीं हो पाता है। रोड पर जाएंगे और क्या, कोई उपाय भी नहीं है। सरकार तो चाहती है सीधा निकलो यहाँ से। छोड़ना पड़े हॉस्टल तो कितना मांगे? कम से कम नहीं कुछ तो 5000 तो जरूर देंगे पिताजी। नहीं दे पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अंबेडकर छात्रावास के छात्र हैं। कल से क्या करेंगे? रोड पे बैठेंगे? अनशन भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल पे? पैसा अभी कितना मंगाते थे घर से? घर से वही 2000-3000 रुपये मिलता था। तो अगर हॉस्टल छोड़ना पड़े तो कितना मांगेंगे? हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा तो मांगेंगे कहाँ से, घर से मिलेगा तब तो। अच्छा मिलेगा? नहीं दिक्कत है, मिलेगा ही नहीं। आप बताइए कितना मांगेंगे घर से? घर से तो मिलता अभी कितना मिलता? अभी मुश्किल से 500-1000। 500-1000 मिलता है महीना का? हाँ मंथली का खर्च वही खाना खर्च मिलता है बस। तो कैसे करेंगे कल से? कल से वही होगा, हम लोग रोड पे आकर के बैठेंगे। नीतीश सरकार चाहती है कि हम लोग कटोरा करेंगे, रोड पे आके बैठ जाएंगे, उसे खाना मिल जाएगा। नहीं तो नीतीश सरकार चाहती है कि तुम लोग जितना भी एससी एसटी हो तुम लोग कटोरा लेकर के रोड पे भीख मांगो। यही हाँ यही नीति रहा है नीतीश सरकार की। करके आते हैं, आप बताइए हमें, कल तो मान लीजिए खाली हो गया तो रोड पर आ जाएंगे आप? हाँ क्यों नहीं, हम लोग आ जाएंगे। नीतीश सरकार बोल रही है कि ये पूरे छात्रावास को खाली कराया जाए, एससी एसटी हॉस्टल। पिताजी से अभी कितना पैसा मांगते हैं? घर से तो 2000-3000 रुपया मिलता है। हाँ छोड़ना पड़े तो क्या लग रहा है कितना मांगना पड़ेगा? नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। नहीं कुछ भी हो जाए नहीं। अनुमान लगा लीजिए कि पटना में लगभग अभी एक सिंगल बेड के लिए कम से कम 2000 रुपया रूम रेंट। आप सोच लिए कि हमको 1000 रुपया हम जो हम यहाँ रह रहे थे वो तो 2000 रुपया रूम रेंट लग जाएगा। आप सोच लिए कि सब्जी का खर्च और ये हम अपना कॉपी किताब का मेंटेन हम कहाँ से करेंगे, तो कटोरा ही मांगना। आप कितना मांगते हैं अभी पिताजी से? लगभग वही 1500-1500 रुपया हो जाता है। छोड़ना पड़े हॉस्टल तो कितना मांगे? कम से कम नहीं कुछ तो 5000 तो जरूर देंगे पिताजी। नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, बस रोड पे ऐसे ही भीख मांगेंगे और क्या करेंगे। आप बताइए हमें क्या करेंगे कल से अगर छोड़ना पड़ा तो? पिताजी से कितना पैसा मांगना पड़ेगा और कहाँ जाएंगे अगर ये हॉस्टल नहीं तो? आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग रोड पर आ जाएंगे क्योंकि हम लोगों के घर से आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है, 2000 रुपये बड़ी मुश्किल से आती है। अभी 2000 रुपये 1500 रुपये के लिए उतने में ही हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, रूम में रहते हैं, खाना भी करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई भी सब कुछ सही से हो जाता है। अगर नीतीश सरकार अगर बंद करवा देती है ये हॉस्टल तो बाहर जाना पड़ेगा। अब अगर बाहर रूम नहीं ले पाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग पढ़ाई ख़राब हो जाएगी और रोड पर आने के कारण यही हो जाएगा। जब 2000 रुपये नहीं मिल रहा तो दो और रूम रेंट लेने कैसे कर आ जाएंगे? मतलब आप बैग लेके आए, ट्यूशन से पढ़ाई करके आ रहे हैं? हाँ ट्यूशन से पढ़ाई करके। कल से कैसे करेंगे ये सब? सर कल से हम लोग का पहले हॉस्टल खाली हो जाएगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? पैसा मिलता है हम लोग खाने पीने के लिए, 1000-2000 आता है पैसा खाने पीने के लिए सर। और दूसरा बात हुआ कि हम लोग अब कहाँ चाहते हैं, नीतीश सरकार चाहते हैं कटोरा मांग लेकर भीख मांगे। आप हमें बताएं क्या बोलेंगे इस चीज़ पे? देखिए मैं बता देना चाहता हूँ नीतीश कुमार से। जैसे कि ठीक है नीतीश कुमार, ठीक है मान लीजिए, हटाइए अभी नीतीश कुमार जी को, कितना मांगते हैं अभी पिताजी से? हम मांगते हैं 2000 रुपया। हॉस्टल छोड़ना पड़ा तो कितना मांगेंगे? हॉस्टल छोड़ेंगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। कोई पैसा नहीं मिलेगा? क्यों? कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे? घर से फोन आएगा, बोलेगा कि आओ जाओ घर तुम को, वहाँ नहीं, हाँ गांव आ जाओ, छोड़ दो पढ़ाई नहीं करना। गांव आके क्या करो? गांव आकर खेती करो, काम करो दूसरे के खेत में, क्योंकि हम जितने भी दलित समाज से हैं कोई टाटा बिरला घर से नहीं है कि सबको आएगा 10000 रुपये महीना की जाके या कोई 5 स्टार रूम लेकर रहेगा। कल से अगर मान लीजिए हो गया तो दिक्कत ही दिक्कत। आप बताइए हमें क्या करेंगे? घर जाएंगे, उतना तो पैसा मिलेगा नहीं कि हम लोग रूम लेकर रहें पढ़ाई करें। हाँ हॉस्टल है तो नीति सरकार चाहती है कि खाली कर दें, लोग पढ़े नहीं। अभी कितना मांगते हैं घर से? अभी तो सर 1500-2000 मिलता है। परसों या फिर जब भी आप यहाँ से जाएंगे तो कितना मांगेंगे? अब तो यहाँ से निकलेंगे तो सर तभी 5000-7000 रुपये तो खर्चा आएगा मिलेगा।
नहीं जुटेगा उतना घर से। चलिए आप बताइए, आप भी छात्र हैं, यहाँ से अगर हट गए कहाँ रहेंगे, कितना पैसा मांगेंगे घर से? घर से तो बहुत कम ही पैसा आता है सर, और 1000 रुपया आता है वो में 1000 रुपया में पूरा नहीं हो पाता है, कोई दूसरा से 200-250 रुपया मांग लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है, तो हम लोग का एक महीना गुजरता है, समझे? बहुत आर्थिक स्थिति हम लोग को दयनीय रहता है, समझे? लेकिन दिक्कत है, अगर यहाँ से चले गए तो दिक्कत। यस, बहुत। यहाँ से चले गए तो कहाँ जाएंगे? रोड पर जाएंगे, और क्या, कोई उपाय भी नहीं है। सरकार तो चाहती है सीधा निकलो यहाँ से, सैनिटाइजर का कोई बहाना, आज तक अभी तक जब से हम यहाँ आए हैं अभी कोई कोरोना पेशेंट नहीं निकला, तो फालतू में ये सैनिटाइजर वेटाइजर क्या करना। चलिए, आप लोग भी यहाँ छात्र हैं, आप लोग हमें बताएं कि अगर यहाँ से हटा दिया गया तो कहाँ जाएंगे? कोई जगह नहीं है, या तो हम लोग अपने घर जाएंगे वापस, क्या करेंगे हम लोग? अगर हम लोग यहाँ खाली करा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो अनाथ। अभी कितना पैसा आता है घर से? घर से आता है 2-3 हज़ार रुपये क्लास के लिए आता है। मान लीजिए यहाँ से हट गए तो कितना मांगना पड़ेगा तो आप लोग रह पाएंगे? कम से कम नहीं तो 10 हज़ार रुपये तो चाहिए है एक स्टूडेंट को, खाना रहने के लिए, कोचिंग पढ़ने के लिए, यहाँ पे खाना मिलेगा घर से? बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल है, आप बताइए कहाँ जाएंगे अगर यहाँ से हट गए तो? रोड पे जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, और कोई उपाय ही नहीं है हम लोग के पास। रोड पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी होगा देखा जाएगा। आप बताएं हमें। जाएंगे रोड पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? तो खाली करने के बाद कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, रोड पर निकलेंगे, और क्या, प्रदर्शन क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करने से आपको बेड आपका मिल जाएगा वापस? फिर प्रयास तो करेंगे ना, देगी सरकार या ना देगी उसका। अभी घर से कितना मांगते हैं? करीबन 1500। 1500 हॉस्टल ये छात्र मतलब कि छात्रावास अगर छोड़ दिए अम्बेडकर छात्रावास, तो कितना मांगेंगे तो सही से रह पाए? संभव हो ही नहीं सकता घर से, उतना मेरा है ये नहीं बना हुआ है कि हम मांग सकते हैं उनसे। रोड पे आ जाएंगे? रोड पे। आप बताइए। हम लोग तो होटल कल खाली करेंगे नहीं, अगर खाली करना है तो नीतीश कुमार को बिहार से हम लोग खाली करवाएंगे। हाँ बिहार। आप बताइए कल अगर हट ही गए तो कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे कहीं ना, हम आतंकवादी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आतंकवादी बन जाएंगे। आतंकवादी बन जाएंगे। हम लोग को पढ़ाई लिखाई करने दिया नहीं जाएगा तो लास्ट में हम लोग आतंकवादी बन के क्या कर लेंगे? हम लोग सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, उसके खिलाफ हम लोग को जो दलित बच्चे हैं जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं किया जाता, वो लास्ट में हथियार ही उठाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? मन बन गया है कि कुछ नहीं होगा तो भाई आतंकवादी बनना, एकदम मन बन गया हम लोग का। हम लोग इतना जहर क्यों भर, ऐसा जहर क्यों भर गया है कि आतंकवादी पे डायरेक्ट चले? क्योंकि दलितों को पढ़ाई लिखाई नहीं कर देने पर मजबूर कर दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग लास्ट में बस यही करेंगे, हम लोग हथियार उठा लेंगे। हथियार उठा लेंगे। हाँ, हम लोग सरकार से लड़ लेंगे, नीतीश कुमार से। हाँ, नीतीश कुमार से लड़ लेंगे। अच्छा चलिए, आपसे तो ये भी नहीं पूछा जा सकता है कि कितना पैसा मंगाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट बोल दिए कि आतंकवादी बने। घर से पैसा वैसा हम नहीं लेंगे, बस हम लोग जब हॉस्टल से हट जाएंगे, पढ़ाई लिखाई हम लोग से नहीं हो पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। चलिए, तो आपने देख ही लिया कि जितने भी यहाँ पे छात्र मौजूद थे, अम्बेडकर छात्रावास में मैं खड़ा हूँ अभी, और जितने भी छात्र हैं यहाँ आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि कितने छात्र हैं, और जब मैंने इनसे पूछा कि अगर ये यहाँ से हट गए या निकाला गया या जो भी तो कहाँ जाएंगे, जवाब बस इतना था कि रोड पर आ जाएंगे, भीख मांगेंगे। और ये शख्स ने ऐसी बात कह दी, इसका साफ तौर पे कहना है कि दलित छात्रों को सरकार पढ़ने नहीं दे रही है तो आतंकवादी बनेंगे, हथियार उठाएंगे और सबके खिलाफ लड़ेंगे, और क्या कुछ नहीं कहा वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। नीतीश सरकार चाहती है कि तुम लोग जितना भी SC ST हो, तुम लोग कटोरा लेकर के रोड पे भीख मांगो। हम लोग लास्ट में बस यही करेंगे, हम लोग हथियार उठा लेंगे। हाँ, करना है तो नीतीश कुमार को बिहार से हम लोग खाली करवाएंगे। कैसे करेंगे? कल से। कल से वही होगा, हम लोग रोड पे आकर के बैठेंगे। आप सोच लिए कि हमको 1000 रुपया, जो हम यहाँ रह रहे थे वो तो 2000 रुपया रूम रेंट लग जाएगा। कोई टाटा बिरला घर से नहीं है कि सबको आएगा 10000 रुपया महीना की जाके, या कोई 5 स्टार रूम लेकर रहेगा। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, 2000 रुपया बड़ी मुश्किल से आती है। 1000 रुपया आता है वो में 1000 रुपया में पूरा नहीं हो पाता है। रोड पर जाएंगे, और क्या, कोई उपाय भी नहीं है। सरकार तो चाहती है सीधा निकलो यहाँ से। छोड़ना पड़े हॉस्टल तो कितना मांगे? कम से कम नहीं कुछ तो 5000 तो जरूर देंगे पिताजी। नहीं दे पाएंगे।